नायत ही काबिल एहतराम बुजुर्गो भाइयों, सबसे बढ़कर बरखुरदारों, अस्सलामुअलैकुम। आज आप जिस प्यार मोहब्बत वलवला के साथ यहाँ इमरान खान साहब की कॉल पर इकट्ठे हुए हैं, मैं आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि सब इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जो खान साहब ने आवाज बुलंद की है, पूरा अटक उनके शाना बिछाना है इंशाल्लाह। और हम आखिरी दम तक खान साहब के साथ खड़े हैं और जब तक इलेक्शनों का ऐलान नहीं कर दिया जाता ये तहरीक जारी रहेगी इंशाल्लाह। जिस तरीके से अदम अदमाद को पेश किया गया, बैरूनी साजिशें, फायर की साजिशें, जिन्होंने खान साहब की हुकूमत को उल्टाने के लिए, उनको घर भेजने के लिए जो पैसा लगाया, जो तगड़ो की पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उससे गुआ, उसका गुआ है। अगर इन लुटेरों को, इन डाकुओं को ही वापस लाना था तो 3-4 साल पहले आपने इतनी एक्सरसाइज क्यों की? इनकी इस एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या थी? खान साहब ने बड़े मुश्किल हालात में, बड़ी मुश्किलात में मुल्क को चलाने की कोशिश की। मैं खुद भी उनको बारहा कहता रहा और बारहा ये समझाता रहा कि महंगाई भी है और महंगाई से बढ़कर करप्शन भी है, इसका कंट्रोल करें। और सबसे ज्यादा खान साहब को जो डैमेज किया है, जो उनके लुगड़ किस्म के मेजर साहब के जो है, जो जिस किस्म के लुभालियाना तरीके से आप लोग आते हैं, ये चीज रोशन की तरह है कि जी मेजर साहब ने जो कुछ जिले के लिए किया और जो कुछ आगे करना है वो हमें पता है। मैं इस वक्त सिर्फ एक पैगाम आपको देना चाहूंगा अटक के गयूर आवाम को कि जिस तरीके से ये तहरीक चली है, जहां भोर के कान साफ हो रहे हैं वहां हमें चाहिए कि अंदर के कान को भी हम साफ करें। और अंदर का कान तभी साफ होगा जब आप लोगों का साथ मेजर साहब के साथ होगा और इंशाल्लाह ये आपको मायूस नहीं करेगा।